स्टॉक जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और दोस्तों फिर से लेकर आ गया हूं शानदार बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए। दरअसल आज की जो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है ये हमने नहीं, ये दिग्गज इन्वेस्टर मोतीलाल ओसवाल जी ने बताया है। और दोस्तों एक शानदार प्राइवेट सेक्टर के बैंक में ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नन अदर देन इंडसइंड बैंक के बारे में। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल जी ने इंडसइंड बैंक के रीसेंट टारगेट जो बताए हैं वो बताए हैं 1300 रुपए। इन्होंने बताया है जल्द ही ये 1300 रुपए के भी लेवल को तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक के मंथली चार्ट के बारे में। दोस्तों यदि हम इंडसइंड बैंक के मंथली चार्ट को देखते हैं तो ये देखिए पहले ये करीबन हाई बना चुका है 2016 रुपए का, और उसके बाद आप देखें तो एक गिरावट आपको साफ नजर आ रही होगी और गिरते गिरते करीबन ये पहुंच गया था 355 रुपए तक। दोस्तों 355 रुपए का सपोर्ट लगाकर फिर से ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है और तेज रफ्तार कर ये देख सकते हैं दोस्तों अब ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों 929 रुपये तक ये पहुंच चुका है। आज जब मैं बात कर रहा हूँ 6 अप्रैल की तो 929 रुपये को आज ये ट्रेड करता हुआ 929 रुपये पर आपको दिखा। दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम पर यदि मैं बात करूँ तो ये शेयर जो है दोस्तों 100% बुलिश शो हो रहा है। यदि मैं बात करूँ इसके डेली चार्ट की दोस्तों तो डेली टाइम फ्रेम पर ये बियरिश जोन में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यदि लॉन्ग टर्म में इस शेयर को देखें तो धमाकेदार स्टॉक ही हो जाता है, क्योंकि जब ये शेयर चलता है दोस्तों तो शानदार मुनाफा अपने सभी इन्वेस्टर्स को बनाकर देता है। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर यदि मैं इसका सपोर्ट देखूं तो स्ट्रांगली सपोर्ट एक बना हुआ है दोस्तों इसका, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रांगली सपोर्ट जो है वो बना हुआ है 816 रुपये पर। दोस्तों यदि मैं वीकली चार्ट इसका दिखाऊं तो वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं बुलिशनेस बनी हुई है और एक स्ट्रांगली सपोर्ट इसमें बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 858 रुपये पर। आप चाहें तो इसमें स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। यदि आप इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इसमें तो यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस जो है वो लगाकर इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों चार्ट बेसिस पर तो अच्छा खासा ये शेयर जो है वो हो जाता है और शानदार बाइंग की अपॉर्चुनिटी ये बन जाती है, क्योंकि जिस लेवल पर अभी अवेलेबल है दोस्तों बिल्कुल नहीं दिखने वाला दोस्तों, क्योंकि यदि हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये देखिए जहाँ पर अभी अवेलेबल है और ये देखिए दोस्तों अभी इसका टारगेट बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके फंडामेंटल्स की। दोस्तों यदि हम इनकी रेवेन्यू की बात करें तो लगातार इनकी रेवेन्यूज जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए सितंबर क्वार्टर में 7,177 करोड़ रुपीज़ की जो रेवेन्यू थी वो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर हो गई 7,241 करोड़ रुपीज़। यदि इनके इनकम स्टेटमेंट्स की बात करें तो लगातार धमाकेदार प्रॉफिट ये शेयर देता जा रहा है, टोटल इनकम में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। और यदि हम बात करें नेट प्रॉफिट की दोस्तों तो धमाकेदार नेट प्रॉफिट इसका बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो एफआईआईज ने इसमें दोस्तों लगातार होल्डिंग ये बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखिए 51.81% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो कि दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर हो जाती है 54.93%। तो दोस्तों यदि हम मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात करें, ओवरऑल सिनेरियो की बात करें दोस्तों तो बहुत शानदार स्टॉक ये हो जाता है। यदि आप इसमें अभी इस समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शानदार मुनाफा आपको ये बनाकर दे सकता है लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों हमारी तरफ से बिल्कुल इसमें एक बाइंग का सजेशन हो जाता है यदि आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो। यदि आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा बहुत आपको वेट कर चलना चाहिए, क्योंकि जैसे इसमें वीकली कैंडल एक बुलिश कैंडल बन जाती है, यानी कि इस रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यदि आप इस अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों तो बिल्कुल इस शेयर को मत चूकिएगा, लॉन्ग टर्म में शानदार मुनाफा ये आपको बनाकर देगा। दोस्तों यदि हम इसमें टारगेट की बात करें तो हमारा पहला रिसेंट टारगेट होगा 1100 रुपये। जल्दी ये 1100 रुपये तक के लेवल जो है वो क्रॉस करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों यही बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।